काबा में तेरा जलवा है, काशी में नज़ारा है। हमें ये भी प्यारा है, हमें वो भी प्यारा है। आज हमारे साथ है कुछ कांवरियाँ लोग और जा रहे हैं देवघर, और इनसे हम बातें करेंगे। और ये देख सकते हैं हमारे पीछे ट्रेन एक आपको दिखाई दे रही होगी, इनको ट्रेन में फ्री टिकट यात्रा जो है कि दिया गया। लेकिन ये भी हम बताएंगे इस वीडियो में कि आखिर इन लोगों का पैसा जो है कि सरकार किस तरह से वसूल रही है वो हम बताएँगे। चलिए सबसे पहले कांवरियों से हम लोग बात करते हैं, आइए पास में जरा। जी स्वागत है आप लोगों का। धन्यवाद जी। तो कहाँ आप जा रहे हैं? आप हम लोग देवघर के लिए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ से? यहाँ जखनिया से ट्रेन पकड़ के, जखनिया से ट्रेन पकड़ के हम लोग जाएंगे। पहले तो सुल्तानगंज, वहाँ से जल उठा के उसके बाद देवघर जाएंगे। अच्छा, ये बताइए पंडित जी हमारे साथ हैं, हालांकि जो देवघर जाते हैं चाहे बोलबम के लिए जाते हैं उनका नाम नहीं लिया जाता है, बम कह के बुलाया जाता है। उनका शुद्ध नाम है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। अच्छा, शुद्ध नाम उनका है, हम लोग बोलबम बोलबम। नहीं, आप अपने में जो है कि नाम किसी का नहीं लेंगे? नहीं नहीं, हम बोलबम बोलबम बोलेंगे बस। अच्छा, नहीं नहीं वो नहीं, हम कह रहे हैं कि कब से शुरुआत हुई है? आज से करीब 10 साल पहले मैं गया था वहाँ जल चलाने के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ चलिए मैं कुछ जानकारियाँ दे दूँ दोस्तों कि सबसे पहले हमारे राम जी सुल्तानपुर से जल उठाकर और देवघर गए थे, और सबसे पहले वही चढ़ाए हुए थे, तब जाकर सभी पूरे देश में कांवर यात्रा शुरू हुई। तो दोस्तों इनसे पहले बात करते हैं कि आखिर जब ये लोग जाते हैं तो क्या दिक्कतें आती है, कोई दिक्कत आती है जाने आने? नहीं नहीं, दिक्कत कोई नहीं आती है। हम लोग जो है कि 120 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ाते हैं, सुल्तानगंज से जल उठाते हैं और बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ाते हैं। इसके बाद हम लोग बासुकीनाथ भी दर्शन करते हैं। खाना पीना कैसे आप लोग खाएंगे? खाना पीना का सुविधा रास्ते में रहता है, लंगर भी चलता है, और अपना खुद भी खरीद कर वहाँ पर पैसा लगता है, खाद लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, मिलता है पूरे रास्ते भर खाना पीना, कोई परेशानी नहीं रहती है। कोई परेशानी नहीं, सब सुविधा वहाँ मिलती है। क्या कोई इच्छा लेकर आप लोग जा रहे हैं कि हमारा मनोकामना ये पूर्ण हो जाए? कौन सा मनोकामना आप ले? नहीं नहीं, कुछ मनोकामना पूरा नहीं, इसी तरह हम लोग जाते हैं भोलेनाथ की कृपा से, हम लोग बुलाते हैं। मनोकामना नहीं ले जा रहे हैं। चलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं सभी लोगों से कि आप लोग जा रहे हैं अगर देवघर तो एक मनोकामना जरूर करिएगा कि आज से दाल चीनी और जो भी अन्य खाने वाली चीज़ें हैं उन पर टैक्स लगा दिया गया है। और आपको बता दूँ कि जो ट्रेन की टिकट है, जो हमारे आप लोग जाएंगे जिससे ट्रेन पकड़ के, उसका टिकट नहीं लिया जाएगा, लेकिन सरकार उसका भी पैसा वसूलेगी, क्योंकि जितने भी बूढ़ पुरानी हमारे दादी हैं, माताजी हैं और दादाजी हैं, ये लोग ट्रेन से अपनी यात्रा करेंगे तो उनको जो सुविधा मिलती थी अब वो सुविधा नहीं मिलेगी। इसके बारे में आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? जी अब इसके बारे में हम लोग क्या कहेंगे, वो तो सरकार की व्यवस्था है, वो सरकार जाने उसके विषय में। हम लोग जाते हैं भाई, चाहेंगे यही कि यह सब जो है, जो सीनियर बुढ़े लोग हैं उनके लिए जो छूट मिलता था वो तो देना चाहिए सरकार को, अभी नहीं दे रही, तो उसके विषय में क्या कहेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों ये लोग जा रहे हैं यहाँ से, जखनिया से जाएंगे सबसे पहले वाराणसी, यानी कि वाराणसी में मुग़ल सराय जाएंगे, और मुग़ल सराय से फिर ये लोग पकड़ेंगे ट्रेन देवघर के लिए, सुल्तानपुर के लिए और सुल्तानगंज के लिए, और सुल्तानगंज से अपना जल उठाएंगे और वहाँ से आप लोग पैदल जाएंगे, वहाँ पर नहाएँगे आप लोग पहले, सबसे पहले नहा के वहाँ से जल उठाएँगे, उसके बाद 120 किलोमीटर का यात्रा पैदल करेंगे वहाँ से। और फिर उधर से? उधर से फिर तो अपना यही ट्रेन है। अच्छा, उधर से ट्रेन, वहाँ से फिर बासुकीनाथ जाएंगे, वहाँ से करीब 100 किलोमीटर वहाँ से बासुकीनाथ भी होता है, तो वहाँ से सब साधन से जाते हैं लोग, बस ट्रेन या बस या टेम्पो वगैरह पकड़ के वहाँ से जाते हैं। मनोकामना आप लोग क्या मांगे हैं? देवघर जा रहे हैं तो वहाँ पे जो है कि कोई मन्नत होगी ना? हाँ, क्या हमारी मंगते है कि मैंने 5 साल पूरा करूँगा, जो हमारा जो सोचे हैं सब हमारा पूरा होगा, करते चलते रहेंगे। चलिए दोस्तों जो भी कांवर यात्रा जो है कि कांवरी लोग जाते हैं वो अपनी जो है कि कुछ न कुछ उनकी इच्छा होती है कि हमारे यह पूर्ण हो जाए, और मैं जाऊंगा जो है कि लेकर अपनी कांवर सुल्तानपुर से जो है कि देवघर के लिए। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, और कांवरिया लोग जा रहे हैं इनके लिए जो है कि इनके मंगल शुभकामना मंगल कामना करिए कि ये लोग अच्छे से पहुँच जाए वहाँ पर। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद।